Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Ghana first country to receive COVAX vaccine. घाना पहला कंट्री है जिसको कोवैक्स वैक्सीन मिला है, तो इसके बारे में जानेंगे। घाना बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव वैक्सीन अंडर कोवैक्स एन इनिशिएटिव टू रिड्यूस वैक्सीन डिस्पैरिटी बिटवीन हाई एंड लो इनकम कंट्रीज विथ 6 लाख डोजेज ऑफ द एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अराइविंग इन द कैपिटल आकरा। घाना पहला कंट्री बन गया है जिसको कि वैक्सीन मिला है अंडर कोवैक्स, जो कि एक इनिशिएटिव है रिड्यूस करने के लिए वैक्सीन डिस्पैरिटी को हाई और लो इनकम कंट्रीज में। इसके अंतर्गत 6 लाख डोजेस जो है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का अराइव किया है कैपिटल आकरा पे। तो घाना का कैपिटल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन सा कंट्री है जिसको कि पहला मिला है वैक्सीन कोवैक्स इनिशिएटिव के अंतर्गत, इस कारण इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम जानेंगे कोवैक्स है क्या। तो कोवैक्स इज ए पार्टनर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड टू इंटरनेशनल ग्रुप द गावी वैक्सीन अलायंस एंड कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन विच एम्स टू सेंड वैक्सीन टू डेवलपिंग कंट्रीज। कोवैक्स एक पार्टनरशिप है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दो इंटरनेशनल ग्रुप के बीच में, द गावी वैक्सीन अलायंस और कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन के बीच में, जिसका एम है कि वो भेजे वैक्सीन को डेवलपिंग कंट्रीज तक। द मेजोरिटी ऑफ इस फंडिंग हैज कम फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और जो मेजोरिटी है इसका फंडिंग का वो आता है हाई इनकम कंट्रीज से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो गया। ये आप देख सकते हैं, जब कोई कंट्रीज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसका मैप बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो घाना यहाँ पे आपका लोकेटेड है, आप देखिए नाइजीरिया के बगल में, तो इससे नियरेस्ट कंट्री जो आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का आपको पता होना चाहिए। तो घाना के नॉर्थ पे आपका बुर्किना फसो है, टोगो आपका ईस्ट में है, वेस्ट में आपका क्वार्टर दी आइवोरे है, आप नीचे दे सकते हैं अटलांटिक ओशियन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम ICOLD। हम जानेंगे इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम के बारे में। रिसेंटली इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिंपोसियम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन इनॉग्रेटेड। अभी हाल ही में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिंपोसियम जो कि था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन का, इसको इनॉग्रेट किया गया है। द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम इज ए नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड अ फोरम फॉर द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन डैम इंजीनियरिंग। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम जो है ये नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करता है एक फोरम जहां पे एक्सचेंज किया जाता है नॉलेज और एक्सपीरियंस डैम के इंजीनियरिंग को लेकर। ICOLD वॉज फाउंडेड इन 1928 एंड हैज नेशनल कमिटी फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज विथ अप्रोक्सीमेटली 10,000 इंडिविजुअल मेंबर्स। ICOLD को फाउंड किया गया था 1928 में और ये नेशनल कमिटी है जिसमें मोर देन 100 कंट्रीज है और अप्रोक्सीमेटली 10,000 इंडिविजुअल मेंबर्स है। द मेंबर्स आर मोस्टली प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंटल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टिंग फर्म, यूनिवर्सिटी, लेबोरेटरी एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। जो मेंबर्स है वो ज्यादातर प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट है गवर्नमेंटल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के, कंसल्टिंग फर्म, यूनिवर्सिटी, लेबोरेटरीज और कंस्ट्रक्शन कंपनी के। ICOLD लीड द प्रोफेशन इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट डैम्स आर बिल्ट एंड ऑपरेटेड सेफली, एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड आर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड सोशली इक्विटेबल। ICOLD जो है वो लीड कर रहा है इस प्रोफेशन को, सेट करता है एक स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस जो कि इंश्योर करेगा कि जो डैम्स बनाए जा रहे हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं वो सेफली हो, एफिशिएंटली हो, इकोनॉमिकली हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबली हो और सोशली इक्विटेबल हो। ICOLD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस फ्रांस में है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर इसका हेडक्वार्टर डायरेक्टली फ्रेम किया जाए तो पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्रीडेड इन्वेस्टर। हम जानेंगे एक्रीडेड इन्वेस्टर है क्या, ये इकोनॉमी का टॉपिक है तो हमें ब्रीफली पता होना चाहिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रीडेड इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी मार्केट। तो कौन इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रपोज किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे जो कॉन्सेप्ट है एक्रीडेड इन्वेस्टर का सिक्योरिटी मार्केट में। Accredited investor, qualified investor or professional investor or those who have understanding of various financial product and the risk and return associated with them. Accredited investor जो है वो qualified investor या professional investor है जिनको understanding है various financial product के बारे में, उससे associated risk के बारे में और return जो कि उससे associated हो। They are able to take informed decision regarding their investment and are recognized by many securities and financial market regulator globally. और वो जो है इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट का और रिकॉग्नाइज किए गए हैं बहुत सारे सिक्योरिटी और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर के द्वारा ग्लोबली।
सेबी सेड दैट द एक्रेडिटेशन वंस ग्रांटेड शैल बी वैलिड फॉर अ ईयर। सेबी ने बताया जो एक्रेडिटेशन ग्रांट किया जाएगा वो वैलिड होगा एक साल के लिए। द एक्रेडिटेशन मे बी कैरीड आउट वाया एक्रेडिटेशन एजेंसी विच मे बी द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन और देयर सब्सिडियरी। और जो एक्रेडिटेशन है वो कैरी किया जाएगा एक्रेडिटेशन एजेंसी के द्वारा जो कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन या उसका सब्सिडियरी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। ये भी पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानेंगे कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के बारे में। कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी हैज एस्टिमेटेड हाउ द सन हैज रोटेटेड ओवर द सेंचुरी फ्रॉम डिजिटाइज डाटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स एंड फोटोग्राफ। कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी ने एस्टिमेट किया है कि किस तरीके से सन रोटेट किया है ओवर द सेंचुरी डिजिटाइज डाटा की मदद से, जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया था ओल्ड फिल्म एंड फोटोग्राफ से। कोसो कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो आपका कोसो है वो पार्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। दिस एस्टिमेशन वुड हेल्प स्टडी मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द सन विच काउज सन स्पॉट एंड रिजल्ट इन एक्सट्रीम सिचुएशन लाइक द मिनी आइस एज ऑन अर्थ। ये मदद करता है एस्टिमेट करने पे स्टडी मैग्नेटिक फील्ड जो कि जनरेट होता है इंटीरियर सन के, और इसके कारण हमें पता चल पाता है सन स्पॉट के बारे में और जो एक्सट्रीम सिचुएशन है जैसे कि मिनी आइस एज जो अर्थ पे है। अब इट कुड हेल्प प्रिडिक्ट सोलर साइकिल एंड देयर वेरिएशन इन द फ्यूचर। ये मदद करता है प्रिडिक्ट करने में सोलर साइकिल के बारे में और जो वेरिएशन होता है फ्यूचर पे। द सन रोटेट मोर क्विकली एट इट्स इक्वेटर देन एट इट्स पोल। तो सन है वो रोटेट करता है मोर क्विकली इक्वेटर पे देन एट इट्स पोल के कंपेरिजन पे। ओवर टाइम द सन डिफरेंशियल रोटेशन रेट काउज इट मैग्नेटिक फील्ड टू बिकम ट्विस्टेड एंड टैंगल एंड दिस इन टर्न काउज लॉट ऑफ सन स्पॉट। और समय के साथ जो सन का डिफरेंशियल रोटेशन रेट है इस कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्विस्टेड और टैंगल हो जाता है, और इसका कारण क्या होता है बहुत सारे सन स्पॉट्स बनते हैं। द सन स्पॉट फॉर्म एट द सर्फेस विद 11 ईयर पीरियोडिसिटी। और जो सन स्पॉट बनते हैं सर्फेस में वो 11 ईयर के पीरियोडिसिटी पे बनते हैं। दे आर द ओनली रूट टू प्रोब द सोलर डायनेमो और सोलर मैग्नेटिज्म इनसाइड द सन एंड हेंस मेजर द वेरिएशन इन सोलर रोटेशन। और ये एक लौटा रूट है जो कि प्रोब करता है सोलर डायनेमो और सोलर मैग्नेटिज्म के बारे में इनसाइड सन के, और मेजर्स करता है जो वेरिएशन है सोलर रोटेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्री कृष्णा देवारिया। तो हम जानेंगे श्री कृष्णा देवारिया है कौन और उससे रिलेटेड फैक्ट को। द फर्स्ट इवर एपिग्राफिकल रेफरेंस टू द डेट ऑफ विजयनगर किंग कृष्णा देवारिया हैज बीन डिस्कवर्ड एट होनेहली इन तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। जो पहला एपिग्राफिकल रेफरेंस है डेट को लेकर विजयनगर किंग कृष्णा देवारिया के, ये डिस्कवर किया गया है होनेहली इन तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका पे। तो जो कृष्णा देवारिया है वो विजयनगर किंग थे, इनका जो डेट है इसके बारे में एपिग्राफिकल रेफरेंस हम लोगों को मिला है होना है हलाली तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। दिस इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन कन्नड़, ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया है कन्नड़ पे, तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एज पर द इंस्क्रिप्शन कृष्णा देवारिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया हु रूल फ्रॉम साउथ डाइड ऑन अक्टूबर 17, 1529 संडे एंड इंसिडेंटली दिस डे वॉज मार्क बाय ए लूनर एक्लिप्स। कृष्णा देवारिया जो कि एक ग्रेटेस्ट एम्पायर थे इंडिया के जो कि रूल कर रहे थे साउथ में, उनकी मृत्यु अक्टूबर 17, 1529 में संडे के दिन हुई थी। इंसिडेंटली ये जो दिन था उस दिन लूनर इक्लिप्स था। अ विलेज नेम होनेहली इन तुमाकुरु वाज गिफ्टेड फॉर कंडक्टिंग वर्शिप टू द गॉड वीरापसना हनुमंता ऑफ तुमाकुरु। और एक विलेज जिसका नाम होनेहली है तुमाकुरु पे वो गिफ्ट किया गया था कंडक्ट करने के लिए वर्शिप गॉड वीरापसना हनुमंता ऑफ तुमाकुरु के लिए। हम जानेंगे विजयनगर रूलर कृष्णा देवारिया के बारे में। ही वॉज द एम्परर ऑफ विजयनगर एम्पायर हु रीन फ्रॉम 1509 to 1529। ये एम्परर थे विजयनगर एम्पायर के कृष्णा देवारिया जो कि रूल किए थे 1509 से 1529 तक। ही बिलोंग टू तुलुआ डायनेसिटी, वो बिलोंग करते हैं तुलुआ डायनेसिटी को। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कृष्णा देवारिया किस डायनेसिटी को बिलोंग करते हैं, तुलुआ डायनेसिटी। कृष्णा देवारिया अर्न द टाइटल कन्नड राज्य रमा रमाना अंधरा भोजा एंड मुरू रायरा गांधा। तो कृष्णा देवराया जो है उनको कुछ टाइटल उपलब्धियां दी गई थी जैसे कि आपका कन्नडा राजा रमा रमना आंध्रा भोजा और मुरू रायरा गांधा। ही बिकेम द डोमिनेंट रूलर ऑफ द पेनिनसुला ऑफ इंडिया बाय डिफीटिंग द सुल्तान ऑफ बीजापुर गोलकंडा बहमानी सल्तनत एंड द राजा ऑफ ओडिशा। वो एक डोमिनेंट रूलर बन गए थे पेनिनसुला ऑफ इंडिया के डिफीट करके सुल्तान ऑफ बीजापुर गोलकंडा बहमानी सल्तनत और राजा ऑफ ओडिशा को इन्होंने हराया था। द ग्रेट साउथ इंडियन मैथमेटिशियन
नीलकंठा सोमायाजी ऑल्सो लिव इन द एम्पायर ऑफ कृष्णा देवारिया। अब अगर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाए कि जो ग्रेट साउथ इंडियन मैथमेटिशियन नीलकंठा सोमायाजी से वो किसके शासनकाल में रूल कर रहे थे, तो आपका एम्पायर कृष्णा देवारिया। पोर्टुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पेयस एंड फर्नाओ नुनेज ऑल्सो विजिटेड द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग हिज रीन। और जो पोर्टुगीज ट्रेवलर थे डोमिंगो पेयस एंड फर्नाओ नुनेज, उन्होंने भी विजिट किया था विजयनगर एम्पायर को उन्हीं के शासनकाल के समय पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, तो हम जानेंगे जो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस है उसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अनाउंसेस सिलेक्शन ऑफ 12 साइट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डैम इनटू स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अंडर फेज 4। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अनाउंस किया है कि वो सिलेक्ट कर रहे हैं 12 साइट को ताकि उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे अंडर फेज 4 पे। तो जो 12 साइट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये साइट और इनका लोकेशन की ये साइट कहाँ पे है, आपका अजंता कैब जो कि महाराष्ट्र में है, साटी स्तूपा मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट राजस्थान, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान, गोलकंडा फोर्ट आपका हैदराबाद तेलंगाना में, सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल लेक श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, बांके बिहारी टेम्पल मथुरा यूपी पे, आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश, कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल। ये जो 12 साइट और इसका लोकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम जानेंगे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के बारे में। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस जो है वो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। एम्स टू टेक आइकॉनिक प्लेसेस एंड देयर सराउंडिंग टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ स्वच्छता थ्रू डेट ऑल विजिटर बेनिफिट एंड ऑल्सो टेक अवे होम द मैसेज ऑफ क्लीनिनेस। इसका मकसद है कि वो जो आइकॉनिक प्लेसेस है और उसके सराउंडिंग है उसको हायर स्टैंडर्ड स्वच्छता का प्रोवाइड करे, ताकि जो विजिटर्स है उनको बेनिफिट हो इससे और वो अपने घर ये मैसेज को लेके जाए क्लीनिनेस का। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट का वो किस प्रकार हो रहा है। इट इज अ कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट विथ 3 अदर सेंट्रल मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट, कल्चर टूरिज्म, ऑल लेवल इन द कॉन्सर्न स्टेट एंड मोर इम्पोर्टेंटली पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट कंपनी एज पार्टनर। ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट है, 3 अदर सेंट्रल मिनिस्ट्री है आपका, अर्बन डेवलपमेंट है, कल्चर है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, और सारे लेवल पे जो कॉन्सर्न स्टेट है वो मोर इम्पोर्टेंटली पब्लिक सेक्टर प्राइवेट कंपनी भी पार्टनर के तौर पे काम कर रहे हैं। इनिशिएटिव टेकन अप अंडर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव लिया गया है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इनिशिएटिव के अंतर्गत। इम्प्रूव सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्प्रूव करना है। इंस्टॉलेशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इंस्टॉल करना है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को। ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटी, जो सैनिटेशन फैसिलिटी है उसको और अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी। वाटर वेंडिंग मशीन लगेगा। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सेटअप, सॉलिड लिक्विड वेस्ट को मैनेज करने के लिए उसके लिए एक सेटअप तैयार किया जाएगा। स्ट्रक्चर रिस्टोरेशन, जो स्ट्रक्चर है जो कि डैमेज हो चुके हैं जिसको रिस्टोर करने की आवश्यकता है तो उसको रिस्टोर किया जाएगा। लाइटिंग अरेंजमेंट, ब्यूटिफिकेशन ऑफ पार्क, रोड मेंटेनेंस, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन अप्रोच एंड एक्सेस एरिया बिसाइड एट द मेन साइट, ये सारे चीज किए जाएंगे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इनिशिएटिव के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विडेन रिवोक्स ट्रंप इमिग्रेशन वीजा बैन। विडेन ने रिवोक कर लिया है जो ट्रंप ने इमिग्रेशन वीजा बैन किया था उसको, तो उससे रिलेटेड न्यूज को हम देखेंगे। द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिवोक डोनाल्ड ट्रंप सस्पेंशन ऑफ न्यू इमिग्रेंट वीजा विच हैड बीन इफेक्ट सिंस लेट अप्रैल 2020। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिवोक कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप का जो सस्पेंशन किया गया था न्यू इमिग्रेंट वीजा को, जो कि इफेक्ट में आया था अप्रैल 2020 से, उसको बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा लिया है। द रिवोक ऑर्डर हैज सस्पेंडेड द एंट्री ऑफ सर्टेन इमिग्रेंट एंड नॉन इमिग्रेंट इन टू द यूएस ऑस्टेंसिबली ऑन ग्राउंड ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूएस लेबर मार्केट इन द वेक ऑफ कोविड-19। जो रिवोक ऑर्डर जो कि सस्पेंड किया गया है, एंट्री किया जाएगा सर्टेन इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट का यूएस पे ऑक्सेंसिवली इस ग्राउंड पे, वो प्रोटेक्ट करेगा यूएस के लेबर मार्केट को कोविड-19 के समय पे। इश्यू क्या है, मिस्टर बिडेन हाउएवर डिड नॉट रिवोक ए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पॉज ऑन H-1B स्किल वर्कर एल इंट्रा कंपनी ट्रांसफर एंड सेवरल अदर वर्क एंड एक्सचेंज विजिटर वीटा कैटेगरी दैट वेंट इन टू इफेक्ट ऑन June 24, 2020। मिस्टर बिडेन ने ये तो रिवोक किया है, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से रिवोक नहीं किया है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन को। जैसे कि जो पॉज लगाया गया था उनके द्वारा H-1B वीजा पे, स्किल वर्कर के वीजा पे, एल इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, सेवरल अदर वर्क एंड एक्सचेंज विजिटर वीजा कैटेगरी पे, जो कि June 24, 2020 से लगा हुआ है, उसको अभी तक रिवोक नहीं किया गया है। H-1B वीजा प्रीडोमिनेंटली ग्रांटेड टू वर्कर इन द IT सेक्टर एंड मोस्ट ऑफ दिस वीजा ओवर 70% हैव गोन टू इंडियन सिटीजन इन रिसेंट ईयर। जो H-1B वीजा है वो प्रीडोमिनेंटली ग्रांट किया जाता है वर्कर को IT सेक्टर के लिए, और जो ज्यादातर ये वीजा है 70% तक वो इंडियन सिटीजन को दिया गया था अभी हाल फिलहाल के सालों में।
व्हाट आर H1B, H2B, L एंड अदर वर्क वीजा, जो अलग अलग टाइप का वीजा प्रोवाइड किया जाता है US गवर्नमेंट के द्वारा, हम उसके बारे में जानेंगे। इन ऑर्डर टू फिल अ वैकम ऑफ हाईली स्किल्ड लो कॉस्ट एम्प्लॉय इन IT एंड अदर रिलेटेड डोमेन, द US एडमिनिस्ट्रेशन इश्यू अ सर्टन नंबर ऑफ वीजा इच ईयर विच अलाउ कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड द US टू सेंड एम्प्लॉय टू वर्क ऑन क्लाइंट साइट। फिल करने के लिए जो वैकम है हाईली स्किल लो कॉस्ट एम्प्लॉय का IT और अदर रिलेटेड डोमेन पे, US एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इश्यू करते हैं सर्टेन नंबर ऑफ वीजा हर एक साल, जो कि अलाउ करता है कंपनी को आउटसाइड US के वो सेंड कर सकते हैं एम्प्लॉय वर्क के लिए क्लाइंट के साइट पे। H1B पर्सन इज स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन टू वर्क इन ए स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन रिक्वायर ए हायर एजुकेशन डिग्री ऑफ इट्स इक्विवेलेंट। H1B वीजा जो है ये पर्सन जो है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए होता है, इसमें जो वर्क होता है स्पेशल ऑक्यूपेशन के लिए होता है, इसके लिए हायर एजुकेशन डिग्री की आवश्यकता होती है। L1B वीजा अलाउज कंपनी टू ट्रांसफर हाईली स्किल वर्कर टू US फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 7 ईयर। जो L1 वीजा है वो अलाउ करता है कंपनी को कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं हाईली स्किल वर्कर को US के में फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 7 ईयर्स के लिए। H2B वीजा अलाउ फूड एंड एग्रीकल्चर वर्कर टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द US। H2B वीजा जो है वो अलाउ करता है फूड और एग्रीकल्चर वर्कर को कि वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है US में। J1 वीजा इट इज फॉर स्टूडेंट ऑन वर्क स्टडी समर प्रोग्राम। J1 वीजा दिया जाता है स्टूडेंट को वर्क स्टडी या समर प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, तो हम जानेंगे सिटी इनोवेशन एक्सचेंज के बारे में। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज को? तो सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स CIX टू एन ओपन इनोवेशन प्रोसेस एंगेज विद इनोवेटर टू डिजाइन टेस्ट डिलीवर ऑन सोल्यूशन टू प्रेसिंग अर्बन चैलेंजेस। जो सिटी इनोवेशन एक्सचेंज है ये एक ओपन इनोवेशन प्रोसेस है जो कि इंगेज है इनोवेटर के साथ ताकि डिजाइन किया जाए टेस्ट डिलीवर ऑन सॉल्यूशन को जो कि प्रेस करेगा अर्बन चैलेंजेस को। डिजाइन ऑन फिलोसफी ऑफ एवरीवन इज एन इनोवेटर, इट ब्रिंग टुगेदर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन एकेडमिया बिजनेस गवर्नमेंट टू को क्रिएट फॉर द फ्यूचर ऑफ अर्बन इंडिया इन ए ट्रांसपेरेंट एंड सस्टेनेबल मैनर। तो डिजाइन होगा फिलोसफी ऑफ एवरीवन, ये एक इनोवेटर है, ये लाता है एक साथ सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन एकेडमिया बिजनेस गवर्नमेंट को कि वो सब को क्रिएट करे जो फ्यूचर है अर्बन इंडिया का एक ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल मैनर पे। CIX प्लेटफॉर्म विल इज द डिस्कवरी डिजाइन एंड वैलिडेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ यूजर सेंट्रिक प्रोसेस दैट विल रिड्यूस बैरियर फॉर इनोवेटर एंड सिटीज टू डिस्कवर फिटिंग सॉल्यूशन। CIX प्लेटफॉर्म जो है वो इज करता है डिस्कवरी डिजाइन वैलिडेशन सॉल्यूशन का एक यूजर सेंट्रिक प्रोसेस के द्वारा जो कि रिड्यूस करता बैरियर इनोवेटर के लिए सिटीज के लिए ताकि वो डिस्कवर कर सके फिटिंग सॉल्यूशन को। इट विल हेल्प इन द फ्लो ऑफ आइडिया आउटसाइड इन एंड इनसाइड आउट एनहांसिंग द स्किल एंड कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू डिलीवर स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस। ये मदद करता है फ्लो करने में आइडिया का आउटसाइड इन इनसाइड आउट, जिससे क्या होता है इनहेंस होता है स्किल और कैपेसिटी जो कि जरूरत होती है डिलीवर करने के लिए स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस को। स्मार्ट सिटी मिशन विल पार्टनर विद स्टार्टअप इंडिया अटल इनोवेशन मिशन अग्निली एंड अदर इनिशिएटिव इन द इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम। स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है स्टार्टअप इंडिया अटल इनोवेशन मिशन अग्निली और अदर इनिशिएटिव के साथ इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम के अंतर्गत। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।